तो कम से कम 12 देशों में हमें वो खुद ले गया, और एक एक देश में उनके रिश्तेदार थे और उनके बिजनेस थे, तो इतनी सेवा कराई जो मैं क्या बताऊं। और फिर तो बाबा के गीता पाठशालाएं भी खुल गई, और उसके बाद नैरोबी में भी सेंटर खुला, और 75 में फिर हमें मॉरिशियस ले गए थे क्योंकि वो भी नज़दीक अफ्रीका के, और वहां तो इतनी ज़बरदस्त सेवा थी जो तुरंत मकान ले लिया, सेंटर स्थापित कर दिया, और मुझे वहाँ दादी जी ने कहा आप रहो, तो फिर मैं 75 में मॉरिशियस में रहना शुरू किया, और वेदांती बहन वापस अफ्रीका गई और अफ्रीका सेवा को बढ़ाया। तो ये था उस समय 74-75 की बात। तो ड्रामा देखो, वो बातें सब याद आ गई हमें, और आज हमने मुरली क्लास में भी ये बातें सुनाई। तो देखो टाइम भी कैसे पास हो जाता है, और अभी तो सर्व अफ्रीका का कार्य वहाँ बहुत तेजी से चल रहा है, और कैसे एक एक देश में बाबा के सेंटर्स है, और वहाँ की बहनें जो अलग अलग देशों में जाकर सेवा कर रही है, काफ़ी डिफिकल्ट धर्मी है, लेकिन बाबा की बहुत मदद है और इनकी योग तपस्या है जिसके आधार से वहाँ इतनी सेवाएं बढ़ रही है, और अफ्रीका से बहुत भाई बहनें मधुबन में आते हैं। तो ये था शॉर्ट में अफ्रीका का समाचार। बाकी हमें बहुत खुशी है कि आप सब योग भट्टी कर रहे हैं, तो मधुबन की तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत याद, क्योंकि समय ऐसा है, भले हम बहुत दूर है फिजिकली, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली तो हम एक दो के बहुत करीब हैं। और बीच में हमने क्लास पहले भी कराया था, और अभी आपके फिर से सम्मुख हुए हैं, तो बाबा ने तो हमें योग पर तो बहुत कुछ समझाया है। हर मुरली में बाबा योग की बात करते ही रहते हैं, और बाबा तो बहुत सहज रूप से कहते हैं योग माना याद। आज तो योग के नाम पर योगा कह करके जो अलग अलग आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है, और उसी को योगा कह करके ही उसी को महत्व दिया जाता है। पर वैसे अगर देखा जाए, योग तो जीवन जीने की कला है, जैसे बाबा हमें कहते हैं, और योग के अष्ट अंग हैं, 8 अंग हैं, जिसमें यम और नियम उन पर तो ध्यान देते ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 6 हैं उन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। योग नियम, योग यम और नियम के बाद आसन और प्राणायाम पर अवश्य ध्यान देते हैं, पर बाबा हमें कहते हैं मानसिक आसन अपनाओ। जैसे वो शारीरिक आसन अपनाते हैं, बाबा कहते हैं आप भले कब कहाँ भी बैठो, आप लेट करके भी मुझे याद कर सकते हो। तो ये बाबा ने हमें सहज विधि बताई है, और सुखासन है, आप कहाँ भी बैठकर आराम से बाबा को याद कर सकते हो। तो इसीलिए योग अर्थात याद। तो जब बाबा याद शब्द कहते हैं, तो हमें और कुछ नहीं करना है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चा अपने माता पिता को कैसे याद करता है, हम भी शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़े। उस दिन बाबा ने कहा कि मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ, अगर बाप भूल जाए तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाए तो गुरु को याद करो। इसका मतलब है कि हमारा योग कोई सूखा योग नहीं है, हमारा योग कोई वो रूप नहीं है बस मंत्र जाप करना है और एक गिनती हमें मिलती है और हम समझे कि बस यही हमारा योग है। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि जहाँ आसन और प्राणायाम के बाद आता है फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात विड्रॉल, अपने सेंसेस से पार जाना, और बाबा हमें वही मुख्य बताते हैं कि कैसे अंतर्मुखी बन जाओ, अंतर्मुखी बन करके अपनी आत्मा कैसे भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ये भृकुटी सिंहासन ही हमारा सच्चा आसन है, जहाँ विराजमान होकर के
इंद्रियों का राजा बन जाएं और राजा बन करके स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने ऊपर राज्य करें, तो क्या मन सोचे हम मन को दिशा प्रदान करें। इसीलिए आसन हमारा सुखासन है, प्राणायाम अर्थात प्राणों से प्यारा जो परमात्मा है उनके साथ हमारी लगन हो, प्रत्याहार अर्थात विड्रॉल हो, इंद्रियों से हम विड्रॉ करें अपने आप को, यहाँ भृकुटि सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, इंद्रियों का राजा बन करके रहें। और प्रत्याहार के बाद आता है ध्यान। ध्यान माना मन एकाग्र करें, किसमें एकाग्र करें। बाबा कई बार कहते हैं कि शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, देह और देह के सब संबंधों को भूलना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है। उस दिन बाबा ने कहा कि अच्छा आत्मा न भी समझो तो भी शिव बाबा को याद करो, और शिव बाबा को याद करेंगे तो भी आत्मा अभिमानी अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा किसका पिता है, शरीर का पिता तो है नहीं, वो तो आत्मा का पिता है। तो आप सहज ही आत्माभिमानी भी बन सकते हैं। पहले पिता परमात्मा को पहचानो, वो भी एक आत्मा है, तो हम भी एक आत्मा है। तो जो लोग योग करते उसमें ना का ज्ञान है, न शांत हो जाए, मन को शून्य कर दे और फिर धारणा वो स्वरूप बन जाए एकदम शांत, और फिर समाधि। तो समाधि तो बाबा कहते बाप समान बनना है, और ध्यान मना सब संबंध एक बाबा के साथ हो, देह से देह के सब संबंधों को भूलना है। जब देह ही भूल गई तो ऑटोमेटिकली देह से कनेक्टेड जो भी बातें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई भी परिस्थितियां, संसार की कोई भी बातें हैं, उनसे हम उपराम हो जाते हैं। तो बाबा ने तो हमें बहुत सहज तरीका बताया है, कोई भी शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, मन का दमन भी नहीं करना है, क्योंकि मन तो हमारा मित्र है। और भगवान के भी ये महावाक्य गीता में भी आता है कि अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, तन को लगाने की तो बात ही नहीं है, तो मन को मेरे में लगाओ। तो मन कहाँ जाएगा, जिसको हम पहचानते हैं। तो परमात्मा में मन तब जाएगा जब हम परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचानेंगे। इसलिए हर मुरली में बाबा अपनी पहचान भी कितनी गहराई से देते हैं। बच्चे मुझे पहचानो, तुमको कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, कौन इतना प्यार दे रहा है, कौन कह रहा है मुझे याद करो। और कैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते इनको मत देखो, ये भी पुरुषार्थी है, ये भी शिव बाबा को याद कर रहा है। इसलिए हमको उस शिव परमात्मा से सर्व संबंध जोड़नी है। अवश्य ब्रह्मा बाबा माध्यम है जिनके द्वारा शिव बाबा ने हमें अपनी पहचान दी है, लेकिन याद तो हमें शिव बाबा को ही करना है। आत्मा का डायरेक्ट संबंध परमात्मा के साथ है, तो पहले तो मैं एक आत्मा हूँ ये निश्चय इतना पक्का पक्का हो। लेकिन बाबा कहते हैं ये बार बार अभ्यास चाहिए, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये अभिमान आधा कल्प के कारण भरा हुआ है, इतना वो संस्कार दे अभिमान का भरा हुआ है, जो आत्म अभिमानी स्थिति होती नहीं है। लेकिन जैसे हम अपने अंदर में झांक कर देखेंगे, जिसको बाबा कहते हैं मैं कौन मेरा कौन, हमारी दादी जानकी का ये एक स्लोगन था, मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है, बस ये तीन बातें ही वास्तव में योग है। और उस रूप में अगर हम टिकते हैं, उस नशे में चले जाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ, और उसके लिए बाबा रोज कोई ना कोई स्वमान भी हमें देते हैं कि इस स्वमान में टिको। कभी बाबा कहेंगे तुम होली हंस हो, कभी बाबा कहेंगे कि आप तो पूज्य आत्मा हो, कभी बाबा कहेंगे कि आप तो पूर्वज हो, आप तो आदि आधार हो। तो जब बाबा हम बच्चों को ये बातें सब कहते हैं, तो तब महसूस होता है कि सचमुच हम कितने ऊंचे, हम कितने महान हैं,
हम कितने श्रेष्ठ हैं। भक्ति में तो हम अपने आप को नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा चरणों की धूल मिट्टी मूरख निर्बल जितने हीन ते हीन शब्द जिसको बाबा कहते ना वो हम यूज करते थे, और बाबा हम बच्चों को इन सब से न्यारा कर रहे हैं कि आप तो बच्चे बहुत ऊंचो। उस दिन तो बाबा ने मुरली में कह दिया, बच्चे आप तो मेरे से भी ऊंचो। भक्ति मार्ग में तो हमने भगवान को ऊंचे से ऊंचे का ऊंचा कहा, लेकिन भगवान आकर के हमें कहते हैं तुम बच्चे मेरे से भी ऊंचो। मैं तो केवल एक परमधाम का मालिक हूँ, लेकिन तुम तो डबल मालिक हो, इस सृष्टि के भी मालिक बनते हो तो परमधाम के भी मालिक हो, तुम तो डबल मालिक हो। तो जब बाबा हमें इतना नशा चढ़ाते हैं तो वो खुशी भी होती है, लेकिन बलिहारी तो बाबा की है जिसने हमको इतना ऊंचा बनाया है। तो हर बार जैसे दिल से धन्यवाद ही निकलता है। भक्ति मार्ग में तो धन्यवाद क्या निकलता था, मांगते ही रहते थे धन दो फिर शक्ति दो ये दो वो दो। अब बाबा कहते मांगने की तो दरकार ही नहीं है, मैं तुमको बिन मांगे सब कुछ दे देता हूँ। सबसे ऊंची बात तो विश्व की राजाई मैं तुमको दे देता हूँ, और क्या चाहिए। इसलिए मांगने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इतना संतुष्ट कर दिया है कि वो संतुष्टता की स्थिति में भरपूरता की स्थिति में हम बाबा को दिल से धन्यवाद करते हैं। और जब कोई गुण की आवश्यकता है तो बस बाबा कहते हैं मुझे अपने सामने देखो। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक आत्मा आई तो बाबा को कहती है बाबा मेरा योग नहीं लगता है। वो भाई ने कहा बाबा मेरा योग नहीं लगता है। बाबा मुस्कुराए, अब ये भी देखो कितनी बड़ी इंसल्ट है भगवान को खुद कहें कि भाई हम आपको याद नहीं कर सकते। लेकिन उसने कहा बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो इंडिविजुअल बाबा से मिलना होता था तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने उनको इतनी पावरफुल दृष्टि दी जो बात मत पूछो। बिल्कुल लगातार 2-3 मिनट तक वो पावरफुल दृष्टि लेता रहा लेता रहा लेता रहा और उसी में मग्न हो गया। तो फिर उसके बाद बाबा ने उनसे पूछा अब बताओ योग लगा। तो उसने कहा हाँ बाबा अभी तो एकदम योग लग गया। तो बाबा ने कहा कैसे लगा अभी योग। तो बाबा ने तो उस भाई ने कहा बाबा आप सामने थे ना। तो बाबा ने कहा बस सदा यही समझो बाबा आपके सामने हैं, बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपके आगे हैं, बाबा आपके ऊपर हैं। तो हम यही अनुभव करते हैं योग में, बाबा हमारे छत्र छाया है, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा गाइड है, बाबा हमारा गार्ड है। तो जब हम ये महसूस करते हैं तो जैसे हम एक सुरक्षा कवच के अंदर है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो जिसके साथ भगवान है उसको किस बात का डर, आंधी तूफान का कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान रक्षक बैठा है। तो हमें न कोई चिंता है न कोई डर है न कोई प्रकार का संकोच है या कोई प्रश्न है या कोई आश्चर्य है, कुछ भी नहीं। किस लिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। आज दुनिया में हम देखते इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है कि वो उनको या तो अकेलापन महसूस होता है या तो वो डर के कारण क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भविष्य अंधकार में है उनका, इसलिए उनको इतना डर है। लेकिन बाबा ने तो हमें हमारा भविष्य भी बता दिया है, बच्चे भविष्य में तो तुम्हारा जय जयकार है। आज की मुरली भले शॉर्ट थी लेकिन कितनी सुंदर छोटी सी मुरली थी कि विजय तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और केवल विजय अब की बार नहीं, आप तो कल्प कल्प के विजयी हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप विजयी न हो। और जो आर्मी होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, दुश्मन कितना पावरफुल है, लेकिन हमारी तो निश्चित है विजय क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो हमें किस बात का डर है। तो कैसे ये एक निश्चय और एक नशा हमें इतना ऊंचा
ले जाता है, जो सारा डर हमारा खत्म हो जाता है। हम तो उसी नशे में ही रहते हैं, उसी निश्चय में ही रहते हैं, परंतु उसके लिए निश्चय बहुत जरूरी है। नशा भी तब चढ़ेगा जब निश्चय हो, और निश्चय माना पहले तो अपनी आत्मा के स्वमान का निश्चय, और दूसरा भगवान हमें, हमारा बाप टीचर सतगुरु है, और केवल वो ही नहीं, सब संबंध है, सब संबंध मेरे उनके साथ हैं। ये जब अंदर में पक्का निश्चय है तो हमें कोई भी कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बाकी हाँ, बाबा ये भी कहते हैं अपने कर्मों का हिसाब किताब तो हमें चुकतू करना ही है। 63 जन्मों के हमारे कर्म किए हुए हैं वो तो हमें चुकतू करना ही है, लेकिन बाबा की याद से वो सूली से कांटा हो जाता है, वो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि सहन शक्ति आ जाती है, सब शक्तियां हमें आ जाती है, सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मन को दमन नहीं करना है, पर मन को अमन करने लिए सुमन करना है। जो ये दमन, अमन, सुमन ये शब्द हम यूज करते हैं, तो हर वक्त सुंदर चिंतन मन में करते रहना है, यही बाबा हमें, हम बच्चों को सिखाते हैं। कभी भी मन नेगेटिव ना सोचे, जब मन में कोई नेगेटिविटी आ जाए तुरंत उसको एक सेकंड में रोको, नहीं, ब्रेक लगाओ, ये बहुत जरूरी है ब्रेक लगाना। इसलिए देखो आजकल गाड़ियों में पावर ब्रेक्स है, उसी वक्त ब्रेक लग जाती है, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के बाद जाके ब्रेक लगती है, तभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसी वक्त ब्रेक लगनी चाहिए। परंतु उसके लिए थोड़ा धीरे 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 जरूर हम स्लो करते जाएंगे तो ब्रेक तो बहुत सहज लगी जाती है। इसीलिए जब भी कोई भी नेगेटिव विचार आए जो देह अभिमान के कारण उत्पन्न होता है, वो सहज हम एक सेकंड में मिटा सकते हैं, बाबा कहते हैं नहीं। और अगर कोई पुरानी बातें याद आए तो उस समय ये सोचो कि ड्रामा, तो बाबा ने हमें ड्रामा की भी बहुत सुंदर ढाल दे दी है, ड्रामा बिंदु हमें दे दिया है, हर वक्त ये ड्रामा बिंदु लगाओ और बीती को बीती करो, और जो भी चिंताएं हैं, जो भी बातें, वो सब बाबा को दे दो। तो बाबा को कहो बाबा आप संभालो, तो बाबा बैठा है। हाँ, हिम्मत जरूर हमको रखनी है, लेकिन मदद बाबा की जरूर मिलेगी अगर हम हिम्मत रखेंगे तो। लेकिन कई ऐसे बच्चे कमजोर होते हैं, वो समझते हैं मदद तो बाबा आप करो ही, लेकिन हिम्मत भी हमारे अंदर नहीं है, हिम्मत भी आप हमें दो। तो हिम्मत तो अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ही फल पाना है, तो फल पाने के लिए कर्म तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, बाबा तो हमारे लिए कर्म नहीं करेगा, बाबा तो केवल हमें प्रेरणा देगा कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, बाबा तो हमें सकाश देगा, बाबा तो हमें शक्ति देगा, लेकिन कर्म तो हमें करना है ना। और जब हम वो कर्म कर लेते हैं हिम्मत से, तो बाबा की तो 100 गुना मदद है, 1 गुना तो क्या 1000 गुना। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा अपनी अपने भाग्य की महिमा करो, अपने भाग्य की महिमा करना, ये भी एक योग का ही भाग है। उस दिन तो बाबा ने कहा तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, सौभाग्यशाली नहीं हो, 1000 भाग्यशाली केवल नहीं हो, 1,00,000 या 1,00,000,000 नहीं, लेकिन पदम, और फिर पदम से भी आगे पद्मा पदम, अब इनसे ऊंचा और भाग्य क्या हो सकता है। भक्ति मार्ग में तो हम आशीर्वाद मांगते थे भगवान से, और उसके लिए बाबा कहते आशीर्वाद आपको अपने ऊपर करनी है, आशीर्वाद मांगनी नहीं है, आशीर्वाद अपने ऊपर करनी है, दुआ अपने आप को देनी है, दुआ मांगनी नहीं होती है, दुआ आप अपने आप उसके लिए अधिकारी बनो, आप सेवा करते जाओ और अपने आप आपको दुआएं मिलती जाएगी, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बाबा कहते हैं कि कोई अगर भूल की है तो बाबा को जरूर सुनाओ, बाबा को बताएंगे तो आप हल्के हो जाएंगे। जैसे बाबा को सुनाना माना जैसे सरेंडर हो जाना,
अब कोई भूल की किसी ने और सरेंडर कर दिया तो उसकी आधी सजा तो माफ हो ही जाती है क्योंकि सरेंडर कर दिया। हाँ, और सरेंडर नहीं किया तो फिर उसको पूरी सजा मिल सकती है। तो इसीलिए बाबा को बताना माना जैसे बाबा को सरेंडर हो गई, अब बाबा ये मैंने भूल की है, और फिर साथ में प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प जिसको बाबा कहते हैं, वो साथ में किया तो बाबा की इतनी शक्ति मिलती है जो फिर दोबारा वो भूल नहीं होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने भूलों को भी सुधारो, अपना लक्ष्य सामने रखो। ये सब योग का ही भाग है, हम ये न सोचे कि ये योग का भाग नहीं है, हम ये न सोचे कि बस मन को हमने शून्य बना दिया, कुछ न सोचे, नहीं। बाबा कहते हैं मन में वो श्रेष्ठ संकल्प ला करके हम उसका स्वरूप बन जाएं, हम उसकी महसूसता करें, क्योंकि जो हम मन में संकल्प लाएंगे वो ही स्थिति हमारी बनेगी। इसीलिए कहते हैं ना संकल्प की सिद्धि, तो संकल्प या सोच भी अगर हम पहले करें तो वो स्वरूप अपने आप बन जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में तो हम कहते थे हे प्रभु शांति दो शांति दो शांति दो, अब बाबा कहते शांति नहीं मांगो क्योंकि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। तो हम लोग कई बार ये सबको बताते शांति आपसे कितनी दूर है, केवल एक सोच की दूरी पर है बस। अगर ये आपने सोचा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, हो गई शांत। शांति कोई चीज तो नहीं है जो हम शिव बाबा से मांग रहे हैं और बाबा हमारी हथेली पर देंगे लो शांति। शांति तो मन की स्थिति है, अशांति भी मन की स्थिति है, वही परिस्थिति है, पर उस परिस्थिति में कोई शांति में रहेगा, कोई उस परिस्थिति में अशांत हो जाएगा। और क्यों अशांत हुआ? क्योंकि बहुत व्यर्थ संकल्प उसके चलते हैं। और क्यों वो व्यक्ति शांत हुआ? क्योंकि व्यर्थ से वो परे है। तो बस ये मन की स्थिति है, और मन को बाबा कहते हैं बहुत शक्तिशाली बनाओ। कोई व्यर्थ विचार मन में मत लाओ, मन की शक्ति हमारी सफल हो, सहज रूप से सफल हो, संपन्न हो, शक्तिशाली हो, उसके लिए बाबा कहते हैं एक भी लीकेज ना हो। ये लीकेज कहाँ से होता है? जब हम दे अभिमान में आते हैं। तो इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और आज भी बाबा ने कहा सब अचानक का खेल होगा, अचानक, तो अचानक का जो खेल होगा उसके लिए हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा, हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा, हर वक्त ये हमारा पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए अशरीरी अवस्था का। और बाबा कहते अंत में केवल एक सेकंड का ही प्रश्न होगा, और उस प्रश्न में हाँ या ना, बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हाँ या ना। और क्या होगा क्वेश्चन? कि अंत में हमको किसकी याद रही, केवल बाबा की याद रही या और कोई भी बात याद रही? अगर और कोई बात याद रही तो फेल, लेकिन उस अंत के एक सेकंड में बाबा की याद रहे उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी अंत में एक बाबा की ही याद रहेगी और किसी की याद नहीं रहेगी। और बाबा कहा और बाबा सारा बोझ उठा लेता है। सचमुच हमने कितनों का अनुभव सुना है, बस बाबा कहा, बाबा ने छत्र छाया बन करके कैसे बच्चे को गोद में उठा लिया, सुरक्षित कर लिया, या और इतना सूली से कांटा हो गया सब कुछ, क्योंकि बाबा की शक्ति मिली। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे हर वक्त याद करो, एक घड़ी भी भूलो नहीं, एक घड़ी भी आपकी व्यर्थ न जाए, जब भी कोई और सोच चले फिर से वापस आओ। इसलिए बाबा कछुए का मिसाल देते हैं, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियां निकालता है जब चलना होता है, लेकिन जब नहीं चलना होता तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो हम बच्चे भी अपने इंद्रियों को ऐसे सिकोड़ लें,
और अंतर्मुखी बन जाएं, अपने आत्मा सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। देह मेरा एक वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, और मैं तो एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। दुनिया में तो भल कहते हैं आत्मा तो सदा पवित्र है ही है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा कह दिया निर्लेप है, लेकिन आत्मा पर ही तो लेप छेप लगता है, इसलिए अपने आप को धोखा दे रहे हैं जब कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। तो बाबा ने कहा नहीं, आत्मा तो निर्लेप नहीं है, आत्मा यही मन बुद्धि संस्कार है। तो जो आप संकल्प करेंगे, जो निर्णय करेंगे, जो इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे, वो आपकी आत्मा पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, वही आत्मा के साथ जाएगा। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है तो हम अपनी आत्मा की इन विकारों से रक्षा करते हैं। पर रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं, रक्षा करने का मतलब है कि हम इतने सुसज्जित हैं ज्ञान और के हथियारों से जो हमारे ऊपर माया रावण का अटैक हो ही नहीं सकता है। पहले जमाने में होते थे ना, योद्धे जाते थे युद्ध के मैदान में, तो अपने साथ तलवार होती थी, फिर उनके साथ एक ढाल होती थी और शरीर पर कवच पहन करके जाते थे। तो बाबा ने भी हमें ये तीन शस्त्र दे दिए हैं, ज्ञान की तलवार, हर वक्त ज्ञान यूज करो, कोई भी कर्म करना है उसके पहले ज्ञान यूज करो, ये कर्म सही है या नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहा भी जाता है सोच समझ कर कर्म करो, सोचो। और कई बार ये भी बाबा कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो, ये सोच मेरी कैसी है, तो इसलिए सोचने के बाद फिर समझो कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर परिणाम सही नहीं निकलेगा तो फिर वो कर्म हमें नहीं करना है। और फिर थर्ड स्टेज है कर्म करना। लेकिन जब मनुष्य देह अभिमान में होता है, आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, तो सोचना समझना तो वह दूर हो जाता है, डायरेक्ट कोई ना कोई अभिमान के वश कर्म कर लेता है जो गलत हो जाता है, फिर उसका पश्चाताप होता है, बुरा परिणाम तो निकलेगा ना, लेकिन पश्चाताप करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि उससे हम शिक्षा ले ले ताकि दोबारा ना करें, तो दोबारा ना करें ये प्रतिज्ञा कर ले, शिक्षा ले ले, अनुभव हमारा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आत्मा की शुद्धि होती ही जाएगी। तो बस यही हमको बुद्धि में रखना है कि आत्मा का शुद्धिकरण के लिए ही हमें सारा अभ्यास करना है, और वो तब होगा जब हम उस जो सर्वोपरि सर्वोच्च सबसे पावन अति पवित्र सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा है, उनके हम डायरेक्ट बच्चे बनिए। तो ये बुद्धि में हम रखें, और हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, हमारे सब संबंध उनके साथ हैं, ये हम बुद्धि में जरूर धारण करें। और जितना हम इस प्रकार की धारणा अपने अंदर बनाकर रखेंगे, ऑटोमेटिकली हर वक्त हमारा ध्यान रहेगा, ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है, किसी और पर ध्यान नहीं करना है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इनमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। हम तो सब एक्टर्स हैं ना इस रंगमंच पर, हमें जो पार्ट मिला हुआ है उस पार्ट पर हमें ध्यान देना है, हमें औरों के पार्ट पर अगर ध्यान देंगे तो हम अपना समय भी बर्बाद कर लेंगे। उनका पार्ट तो वो जाने, जो करेगा वो पाएगा, उनका हिसाब किताब उनके साथ है, हम तो ना कोई हिसाब किताब बनाए। इसीलिए अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बाबा पर ध्यान देते हैं, अपने संपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने पीछे भी मत देखो, जो बीत गया वो बीत गया, पीछे भी मत देखो, अगर पीछे देखना है तो ये देखो कि हम कितना आगे आए हैं। तो ज्ञान की तलवार से हम अपने आप को सतर्क रखते हैं, दुश्मन को नजदीक नहीं आने देते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ड्रामा की ढाल है, अगर नजदीक आ भी गया दुश्मन, कुछ वार हो भी गया तो चलो पूरा हुआ,
पश्चाताप करके, दुखी हो करके हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। चलो भूल हुई, बाबा को बता दिया और हल्के हो गए, बाबा से प्रतिज्ञा कर ली, बाबा हम फिर ये नहीं करेंगे, और वो दृढ़ संकल्प इतना अंदर में धारण कर लिया कि फिर अगर कोई वो कर्म होने जा रहा तो हम अपने आप को रक्षा, अपने आप को सोच समझ के बदल देंगे, क्योंकि वो कर्म मुझे दोबारा नहीं करना है, बाबा से हमने प्रतिज्ञा कर ली है। तो इसलिए रोज अपने साथ प्रतिज्ञाएं करो, रोज अपने आप को समझाओ कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। बाबा ने हमें लक्ष्य तो दे ही दिया है, बच्चे अब घर जाना है, बच्चे नई दुनिया में आना है। तो इसीलिए बाबा कहते एक आंख में मुक्ति रखो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो, और किसको भी याद मत करो, और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। तो ज्ञान की तलवार से उस विघ्न को काटो, और फिर ड्रामा की ढाल से अपनी रक्षा करो, और फिर कवच, योग का कवच है, जिस योग के कवच के आधार से कोई भी माया का वार हम पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हम आत्म अभिमानी होंगे, देही अभिमानी होंगे, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हें अशरीरी बन जाना है। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं तो एक दिव्य शक्ति हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो जैसे मेरा पिता ऊंचे ते ऊंचा है, मैं आत्मा भी इतनी ऊंचे ते ऊंची हूँ। तो ये जो अपने अंदर संकल्प करेंगे, उन संकल्पों के आधार से आंतरिक शक्ति हमारी बढ़ेगी, और जितनी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी उतना हम केयरफ्री रहेंगे। एक तरफ बाबा कहते केयरफ्री रहो, केयरलेस नहीं रहो, केयरलेस अलग चीज है, एक है बेपरवा। हाँ, तो बेपरवा किससे रहो, वो भी आज बाबा ने कहा कि बेपरवा आप माया से रहो, परंतु किस का ध्यान करना है, किस पर हम पर हमको नजर रखनी है, वो बाबा पर नजर रखनी है। माया से डरो नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो जब भी कुछ बात हो जाए, बाबा बस ये कहा, बाबा आपके रक्षक बन जाएंगे, क्योंकि ये योग का कवच हमने धारण कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं तीन बातें सदा याद रखो, एक तो अचानक, दूसरा बाबा ने कहा एवर रेडी, तीसरा बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास। ये तीन बातें अगर हमारे लक्ष्य में सदा होगी तो हम पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि तीनों का आपस में संबंध है। बहुत काल का अभ्यास माना हर वक्त अटेंशन, टेंशन नहीं लेकिन अटेंशन। अटेंशन में ए पहले आ जाता है, और ए माना अलर्ट, ए माना एक्टिव। तो अलर्ट भी रहे, एक्टिव भी रहे, और कैसे हम एक माना एक अलफ को याद करें, एक की ही याद में रहें, एक के सिवाय और कोई नहीं, एक बल एक भरोसा, बस ये हर वक्त बुद्धि में रहे। भले बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि कई बार लगता है ये सब बातें तो तब होगी जब सब छोड़ दें। बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना तो ये तो कायरता हो गई, छोड़ना भी नहीं है। हाँ, शुरू में हमारी बहनों ने सब त्याग दिया सहज, ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में त्याग किया, लेकिन उस समय तो बाबा कहते भट्ठी बननी थी, उस समय तो फाउंडेशन डलना था। इसलिए फाउंडेशन के वक्त, भट्ठी बनने के वक्त तो ये सब जरूरी थी बातें, लेकिन उसके बाद अभी तो बाबा का ये यज्ञ काफी विस्तार को पा चुका है, ये वृक्ष बहुत फैल चुका है, बीज को तो गुप्त ही रहना होता है। तो इसीलिए अब जब वृक्ष विस्तार को पा चुका है तो बाबा कहते छोड़ना कुछ भी नहीं है, अपने परिवार में भी रहो, परिवार का भी उद्धार करो। सन्यासी तो बाबा कहते हैं वो केवल चलो खुद घरबार छोड़ दिया, बिचारी पत्नी को विधवा बना दिया, अभी बाबा कहते हैं अभी ये बिल्कुल नहीं करना है, अपने परिवार का भी उद्धार करना है, क्योंकि सबको शांति चाहिए,
सब शांति चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलेगी ये उनको पता नहीं है। इसीलिए आपके अंदर वो शांति की शक्ति है, आपके अंदर वो प्रेम की शक्ति है, वो बाबा कहते बांटो। और अभी जबकि लॉकडाउन है, हमको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, तो सचमुच एकदम बेहद का वैराग्य चाहिए। बाबा कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया, दुनिया को मरा हुआ देखो। मनुष्य मर जाता है उसके लिए तो दुनिया ही मर जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो दुनिया ही जैसे मर गई। तो समय की समीपता को देखकर हमारा हर श्वास, हर घड़ी, हर संकल्प हमें सफल करना है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए हर वक्त तीन बिंदु भी साथ में याद रखने हैं। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये केवल थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। छोड़ो तो छूटो, बस आज भी बाबा ने कहा भूल जाओ, उड़ा दो उस बात को, छोटी छोटी बातों में मत उलझो, जरूरत नहीं है। ये सब 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए छोटी छोटी बातों में उलझो नहीं। इसने ऐसे किया, इसने ये किया, इसने वो क्यों किया, ये क्या किया, इनमें मत जाओ। ये हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना संस्कार है, अपना अपना हिसाब किताब है। इसीलिए इन बातों से एक सेकंड में हम न्यारे हो जाएं, क्योंकि बाबा ने तो हमें बहुत बड़ा कार्य दिया है। केवल स्व कल्याणकारी तो नहीं बनना है ना, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी हम कैसे बनेंगे? विश्व में घूम फिर करके नहीं विश्व कल्याणकारी बनेंगे, लेकिन एक स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को सकाश देंगे। यही योग भट्टी में आपको करना है, एक स्थान पर बैठकर सारे विश्व को सकाश देनी है। जैसे विश्व के ग्लोब पर आप बैठे हैं और आप धरती पर सकाश दे रहे हैं। इस समय कितने लोग दुखी हैं, चाहे बीमारी में दुखी हैं, चाहे आर्थिक कारणों से दुखी हैं, चाहे कोई भी कारणों से इतने दुखी हैं, तो हम उनको शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम उनको शक्ति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी एक अंतवाहक शरीर धारण करके सैर करो, और खास करके अमृत वेले के समय। ऐसे आप शरीर, अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता की ड्रेस पहन करके, चमकीली ड्रेस पहन करके, डबल लाइट बन करके आप विश्व की सैर कर सकते हो, और अनेक दुखी आत्माओं को आप शांति की शक्ति प्रदान कर सकते हो। निमित्त बन करके शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं और हम इन आत्माओं को दे रहे हैं। बहुत दुखी है बाबा, कई बार कहते क्या उनकी पुकार आप सुन नहीं पा रहे हैं? कितना पुकार रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं, कितना रो रहे हैं, कितने दुख हैं। और बाबा ने तो मुरलियों में यहाँ तक कह दिया है कि बच्चे दुख के पहाड़ गिरने वाले। अभी तो फिर भी इतना नहीं है, पता नहीं और क्या क्या दुख इस संसार में आ सके। वो कोरोना के मरीजों का इलाज में अपना जीवन भी जैसे खपा रहे हैं, सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, लेकिन खुद की तो सुरक्षा करते हैं ना। अगर खुद ही उसमें फंस गए तो उनको भी लग जाएगा, तो हम अपनी सुरक्षा भी करते हैं। ऐसे नहीं कि दुखी है कोई तो हम भी दुखी हो जाएंगे। आज मुझे कोई बता रहा था, वो साउथ अफ्रीका की बहन थी, वो बता रही थी कि साउथ अफ्रीका में इतने लोग मर रहे हैं लेकिन वहां जा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को कहते ऑनलाइन आप फ्यूनरल आप वो जो भी उनके रिश्तेदार हैं आप ऑनलाइन उनको सकाश दे, उनको शांति दे, क्योंकि रो रहे हैं बहुत घर में। तो ऑनलाइन रोते हुए को शांति देना है, ये तो चलो फिर भी साइंस के साधन है, लेकिन आगे चल करके ये साइंस के साधन भी फेल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे?
वो उसके लिए अपनी मनसा शक्ति को इतना बढ़ाना है जो हम जो सोचे वो उस आत्मा तक पहुंचे, वो सकाश उनको मिले, उनको ऐसे अनुभव हो जैसे मुझे कोई शक्ति दे रहा है। और ये जब हम कर पाएंगे तब हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भी सुरक्षा करें, विकारों से तो सुरक्षित रहना ही है, लेकिन जो अभी दुनिया में जो और गंदे वाइब्रेशंस और जो भटकती आत्माएं उनके भी वाइब्रेशंस, न जाने क्या क्या वाइब्रेशंस आने हैं कलयुग अंत में, उनसे हम अपने आप को सदा सुरक्षित रखें। और कैसे रहेंगे सुरक्षित? ये योग का कवच पहन करके। कैसे रखेंगे सुरक्षित? जब हम ड्रामा की ढाल हाथ में पकड़ के, ज्ञान की तलवार एक हाथ में पकड़ के माया को तिलांजलि देंगे, विकारों को खत्म करेंगे और एक योगी जीवन अनुभव करेंगे। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि अपनी मूड नहीं बदलनी है। योगी किसको कहा जाता है? जो एक रस अवस्था में रहता है। अगर बार बार हमारी मूड बदल जाती है तो हम योगी थोड़ी हुए, फिर तो भोगी की कैटेगरी में आएंगे। भोगियों की जो वो तो हर वक्त अपनी मूड बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता उनकी कैसी मूड होगी। पर योगी की मूड तो एक ही रस होती है क्योंकि याद बाबा की होती है। तो इसीलिए सब कुछ अचानक होना है और उसके लिए एवर रेडी बनना है, और एवर रेडी बनने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास अभी समय है, करते रहें, देही अभिमानी बनते जाएं, अपने शरीर को से न्यारे होते जाएं और बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहे, एक की लगन में मग्न, सर्व संबंध एक बाबा से और कोई नहीं। तो ये जब बुद्धि में आएगा तब हम शक्ति रूप बन सकेंगे, माया जीत बन सकेंगे, और जब माया जीत बनेंगे तो ऑटोमेटिकली जगत जीत बनेंगे। ठीक है, श्री फोर्ट निवासी भाई बहने, हमारी गीता बहन भी जरूर अभी आ गए होंगे, बहुत प्यार है हमारा गीता बहन से। हम कई बार श्री फोर्ट आए हैं, आप सबसे मिले हैं, और बहुत प्यार गीता बहन का हमें मिलता रहा।